हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा नौवीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा नौवीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और ज्योमेट्री पढ़ने के दौरान, ज्योमेट्री पढ़ने के सीरीज में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ रखा है, जैसे कि चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं, और उसपे संबंधित, उसपे आधारित मैंने आपको होमवर्क दिया है और जो आप लोगों ने बनाकर आए हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा, उस प्रश्न में डाउट होगा, तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में प्रश्न टाइप करना है या वाई टाइप करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टाइप करना है या वाई टाइप करना है। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, या डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट। प्रश्न वाली 1.1, क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव ये है, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपका ये है, ये एक रेखा खंड है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बतानी है बहुभुज, यहाँ पे क्या बतानी है आपको, बहुभुज बतानी है। और हमें पता है कि बहुभुज क्या होता है, तो बहुभुज होता है ऐसी बंद आकृति, ऐसी बंद आकृति जिनके पास तीन या तीन से अधिक भुजाएं हो। कहने का मतलब क्या है, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। उसी प्रकार क्या बताया था मैंने अभी आपको, कि जो बहुभुज होती है वो जिस बिंदु से शुरू होती है, जिस बिंदु से शुरू होती है, अगर उसी बिंदु पे समाप्त हो तभी वो बहुभुज कहलाती है, तभी वो बहुभुज कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो देखिए एक ही इसके पास भुजा है, एक ही इसके पास भुजा है, क्या ये बहुभुज है? सारे सर बच्चे चार्ट बॉक्स में बताएंगे क्या ये बहुभुज है, ये बहुभुज है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, सारे बच्चे टाइप करेंगे। अगर ये बहुभुज है तो वाई टाइप करेंगे, अगर बहुभुज नहीं है तो एन टाइप करेंगे सारे बच्चे, नहीं है ना? इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास एक ही भुजा है, एक ही भुजा है, इसकी वजह से ये बहुभुज नहीं है, इसकी वजह से ये बहुभुज नहीं है। आगे समझ सारे बच्चों को। चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे हमको यहाँ बतानी है क्या ये आकृति, ये बहुभुज है या नहीं है। तो बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सर इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, यानी ये बहुभुज होंगी? नहीं, हमें देखनी रहती है कि हम लोग जिस बिंदु से शुरू करते हैं क्या उसी बिंदु पे आकर ये आकृति समाप्त हो रही है। धन्यवाद। देख लेते हैं, यहां से यहाँ गया, यहां से यहाँ गया, और यहां से यहाँ आ गया, यानी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो ये आकृति है, इतना वाला आकृति, ये सब इस आकृति में नहीं आ रही है, इस आकृति में नहीं आ रही है। तो क्या ये बहुभुज है, क्या ये बहुभुज है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी करेंगे, देखिए जिस बिंदु से शुरू करते हैं अगर उसी बिंदु पे आकर पूरी की पूरी आकृति समाप्त होती है तभी वो बहुभुज कहलाती है। क्या ये बहुभुज कहलाएगी? ये बहुभुज नहीं कहलाएगी, ये बहुभुज नहीं कहलाएगी। आगे समझ में सारे बच्चों को, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब सीखते हैं हम लोग प्रश्न वाली 2.1, क्वेश्चन नंबर वन का ए बी सी डी। प्रश्न वाली 2.1 का क्वेश्चन नंबर ए का ए बी सी डी, कोई डाउट नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्यों प्रश्न सरल है? क्योंकि इसमें चतुर्भुज बतानी है। तो ऐसी आकृति जिनके पास चार भुजाएं हो वो चतुर्भुज कहलाती है। देखिए इनके पास चार भुजाएं यानी चतुर्भुज है, इसके पास तीन भुजाएं ये चतुर्भुज नहीं है, इसके पास चार भुजाएं यानी ये भी चतुर्भुज है, इसके पास चार भुजाएं तो ये भी क्या हो गई आपकी, चतुर्भुज है।
बहुत ही सरल। देखिए इनके पास तीन भुजा, इसके लिए ये चतुर्भुज नहीं है। तीन भुजा वालों क्या कहते हैं, तीन भुजा वालों को कहते हैं त्रिभुज। आगे होगा सर बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी। अच्छा 2 का 2 नंबर क्वेश्चन भी बताना, चलिए बताते हैं, चलिए ध्यान देंगे, चलिए बताते हैं क्वेश्चन बी में। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे भुजाएं कौन सी है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसी आकृति जो जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है वे सारे के सारे रेखाखंड उस आकृति क्या कहलाते हैं, भुजा कहलाते हैं। इसका मतलब यहां से डब्ल्यू जेड क्या हुआ, एक आपकी डब्ल्यू जेड क्या हुआ, डब्ल्यू जेड आपकी एक हो गई, डब्ल्यू जेड हो गई आपकी एक भुजा, डब्ल्यू जेड क्या हो गई आपकी एक भुजा। उसी प्रकार ये जेड वाई क्या हो गई आपकी एक, ये जेड वाई क्या हो गई आपकी एक दूसरी भुजा। चलिए एक बार सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है या नहीं। मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब तीसरी भुजा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीसरी भुजा है एक्स वाई। तीसरी भुजा क्या है यहाँ पे, तीसरी भुजा है आपके पास एक्स वाई। और चौथी भुजा क्या है आपके पास, डब्ल्यू एक्स। चौथी भुजा क्या है आपके पास, डब्ल्यू एक्स। अगर सारे बच्चों को ये भुजाएं समझ में आ गया है तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि शीर्ष क्या होता है, शीर्ष क्या होता है। तो मैंने बताया था आप सभी को कि जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं, जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं वे क्या कहलाती हैं, वे शीर्ष कहलाती हैं। यानी यहाँ पे दो भुजा मिल गया, यहाँ पे एक शीर्ष हो गया, यहाँ दो भुजा मिल गई, यहाँ शीर्ष हो गया, यहाँ दो भुजा मिल गई तो ये शीर्ष हो गया, उसी प्रकार यहाँ दो भुजा मिल गई तो ये शीर्ष हो गया। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि इसके पास कौन कौन सी शीर्ष है, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है ना। ओके ठीक है ठीक है। जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं थे तो मैं आपको होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ, जो चीजें मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी वो मैं फिर से रिवीजन करा दूंगा, मैं फिर से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। मैं होमवर्क अभी डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको अभी कुछ भी छूटा नहीं है, आपको अभी कुछ भी छूटा नहीं है। मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने क्लास पिछली क्लास में पढ़ाया है वो सारी सारी चीजें मैं इस क्लास में भी आपको बता दूंगा, इस क्लास में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब सारे सारे बच्चे बताएंगे कि इनके पास अंतःकोण कौन कौन से हैं, अंतःकोण कौन कौन से हैं। तो अंतःकोण हो गया आपके पास कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड, कोण डब्ल्यू। कोण एक्स, कोण वाई, कोण डब्ल्यू, कोण जेड, कोण डब्ल्यू। तो अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके पास और प्रश्न वाले है 3.1। सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। चलिए 3, 4, 5 में डाउट हो, चलिए यहाँ पे सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है आसन में। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार आसन बताता हूँ सारे बच्चों को ताकि सारे बच्चे समझ जाएंगे कि आसन में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ध्यान देंगे आसन का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आसन कैसे देखना है, मान लीजिए कि ये आप है, मान लीजिए कि ये आप है और ये दोनों जो है आपके, ये दोनों जो है आपके दोस्त हैं, ये दोनों जो है आपके दोस्त हैं। तो आप जिन दो दोस्तों के बीच में हैं, आप जिन दो दोस्तों के बीच में, वे दोनों दोस्त आपके क्या कहलाएंगे, वे दोनों दोस्त आपके आसन दोस्त कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आसन दोस्त कहलाएंगे। उसी प्रकार अगर हम चतुर्भुज में देखेंगे, अगर हम लोग चतुर्भुज में देखेंगे जैसे कि हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी, हो गया डी। अगर हम मैं बोल रहा हूं आपको कि कोण ए जो है, कोण ए का आसन कोण कौन सा है, तो बताइए कैसे देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कोण है किन दो कोणों के बीच में है, कौन कौन से कोण के बीच में है, तो कोण डी के बीच में है और कोण बी के बीच में है। तो इनके आसन कोण कौन कौन से हुए, कोण बी और कोण डी। आशा करते हैं कि अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्या होंगे, ये इनके आसन, ये आपके आसन कौन होंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए तो इसी के आधार पे, इसी के आधार पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है आसन कोण बताने के लिए, तो क्या करते हैं, चलिए इसका आसन कोण हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसका आसन कोण हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सारे
सबसे पहले सारे सारे बच्चे बताएंगे कि कोर डी का आसन कोर कौन कौन सा है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि कोर डी का आसन कोर कौन कौन सा है। आसन कोर कैसे देखते हैं कि ये किन दो कोणों के बीच में है। तो किन दो कोणों के बीच में है, तो कोण ए और कोण सी के बीच में है, यानी कोण ए और कोण सी क्या हुआ, इसके आसन कोण हुए। चलिए उसी प्रकार बताएंगे सर बच्चे कि कोण बी का आसन कोण क्या है, कोण बी का आसन कोण क्या है। तो उसी प्रकार किन दो कोणों के बीच में है, तो कोण ए और कोण सी के बीच में है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्रश्न में और डाउट है बच्चों को कि विकर्ण सर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अगर सम्मुख भुज सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड जो होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी विकर्ण कहलाती है। तो जल्दी बताइए सर बच्चे कि यहाँ पे विकर्ण कौन कौन सी है, यहाँ पे विकर्ण कौन कौन सी है, यहाँ पे विकर्ण कौन कौन सी है सर बच्चे बताएंगे, एसी और कौन सी है बीडी। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि विकर्ण क्या होती है। तो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाली 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न वाली 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक चतुर्भुज के चारों कोरों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है। एक चतुर्भुज के चारों कोरों का योग कितने डिग्री बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कितने के बराबर होगा, तो 360 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रकार प्रश्न वाली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। बहुत बढ़िया। चलिए तो अगर 180 डिग्री में एक कोण 60 डिग्री हो गया, तो अगर हमको दूसरी कोण निकालनी होगी, अगर ये कोण निकालनी होगी तो ये कितनी होगी, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 60, कितने बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आपको एक सीधी लकीर दिख रही है, सीधी रेखा दिख रही है, कौन सी है, वो है XYO। और यहाँ पे आपको एक 60 डिग्री का कोण दिख रहा है, एक 60 डिग्री कोण है, तो अगर इस कोण को निकालना होगा ये कोण कितने के बराबर होगा, तो ये कोण होगा आपका 120 डिग्री के बराबर। आगे समझ में। चलिए अब आपको यहाँ पे बताना है कोण X की माप बतानी है, और हमें बताया है कि चतुर्भुज XYZW दिया हुआ है, इसका मतलब कि कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z प्लस कोण W का मान कितने के बराबर होगा, तो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण X को कोण X रहने देते हैं, कोण Y का मान कितना है, कोण Y का मान है 120 डिग्री, कोण Z का मान कितना है, कोण Z का मान है 60 डिग्री, कोण W का मान कितना है, कोण W का मान है 120 डिग्री, और ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे 360 डिग्री के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा कोण X प्लस ये हो जाएगा आपके पास 300 बराबर 360 डिग्री। अब बताइए सारे सर बच्चे कि X का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 300 में जोड़ने पे 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत में कितना होगा, तो ये होगा आपके पास 60 डिग्री। यानी सभी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि कोण X का मान कितने डिग्री के बराबर होगा, तो कोण X का मान जो है 60 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में Y टाइप करने से पहले क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैट बॉक्स में Y टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे।
अरे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोग यहीं तक पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया था। अब हम लोग सीखते हैं कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था पतंग। क्या पढ़ाया था? पतंग। तो चलिए थोड़ा पतंग के बारे में सीख लेते हैं कि पतंग क्या होता है। बहुत बच्चे जो हैं पिछले क्लास में नहीं थे, पतंग तो उन बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ, पतंग को काइट को एक बार फिर से बताता हूँ। पतंग को काइट को एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए तो मैं आपके सामने दो आकृति बनाया, एक आकृति ये है और दूसरी आकृति आपके सामने ये है। दूसरी आकृति आपके सामने क्या है, ये है। तो आप सभी को बतानी है इन दोनों आकृति में से, इन दोनों आकृति में से मान लीजिए कि अगर ये पहला आकृति है, मान लीजिए अगर ये पहला आकृति है और ये दूसरी आकृति है, तो पहला आकृति और दूसरी आकृति में से कौन सी आकृति पतंग है, कौन सी आकृति जो है काइट है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको चैट बॉक्स में देना। कहाँ देना है? चैट बॉक्स में। पहली आकृति और दूसरी आकृति में से कौन सी आकृति जो है पतंग है। बहुत बढ़िया बहुत, मतलब सारे के सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, क्योंकि उनको सारे बच्चों को पता है कि पतंग क्या होती है, क्या होती है। चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए पतंग देखने का, पतंग हमको पता करने का सबसे आसान तरीका क्या था कि हम लोग कोई भी एक भुजा लेंगे। मान लीजिए एक भुजा ले लिए और इसके एक आगे वाली भुजा, एक आगे वाली भुजा ले लिए और इसके एक पीछे वाली भुजा। अगर इसके एक आगे वाली भुजा और इसके पीछे वाली भुजा, कोई भी भुजा बराबर होती है, कोई भी भुजा बराबर होती है तो वो क्या कहलाती है, वो पतंग कहलाते हैं। तो देखिए इसके आगे वाली भुजा क्या है, इसके बराबर है, लेकिन पीछे वाली भुजा बराबर नहीं है। कोई नहीं, हमको सिर्फ एक ही भुजा से मतलब है कि अगर कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगी, वो पतंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, पतंग कहलाएगी। उसी प्रकार यहां देखिए, उसी प्रकार यहां देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, ये है आपका भुजा, दो भुजा वाला है, तो इसके एक आगे वाली भुजा ये हो गई, इसके आगे वाली भुजा ये हो गई। तो बताइए ये आगे वाली भुजा बराबर है लेकिन ये पीछे वाली भुजा बराबर नहीं है। तो कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए तो वो पतंग कहलाती है, काइट कहलाती है, काइट कहलाती है। तो मैंने इसको क्या बताया था, मैंने इसमें बताया था कि आसन्न भुजाओं में से कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए तो वो पतंग कहलाती है। कोई भी एक भुजा जो है बराबर हो जाए तो क्या कहलाती है, पतंग कहलाती है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो मान लेते अगर इस भुजा को देखेंगे, इसकी अगली वाली भुजा कौन सी है, ये है। इसकी अगली वाली भुजा क्या है, ये है। और इन दोनों भुजाओं में से कोई भी भुजा इसके बराबर नहीं है, कोई भुजा इसके बराबर नहीं है, तो क्या ये पतंग है। जल्दी बताए सर बच्चे चैट बॉक्स में, क्या ये पतंग है, ये क्या ये पतंग है। तो ये पतंग नहीं है, ये पतंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके आगे वाली भुजा और इनके पीछे वाली भुजा, कोई भी भुजा जो है बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सरल भाषा में क्या बोलेंगे, आसन्न भुजाओं में से, आसन्न भुजाओं में से, आसन्न भुजाओं में से अगर कोई भी एक भुजा जो है बराबर हो जाए, कोई भी एक भुजा जो है बराबर हो जाए तो वो पतंग कहलाती है, वो पतंग कहलाती है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। चलिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पे नोट करना है, तो सारे के सारे बच्चे उससे नोट करेंगे, जल्दी जल्दी नोट करेंगे कि जो पतंग होती हैं, जो पतंग होती हैं, इनकी जो विकर्ण होती हैं, इनकी जो विकर्ण होती हैं, वो एक दूसरे को, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं। जो विकर्ण होती हैं उनकी जो विकर्णें होती हैं, जो पतंग होती हैं उनकी जो विकर्णें होती हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो सारे सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, जो पतंग होती हैं उनकी विकर्ण जो होती हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे को 90 डिग्री पे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं। एक दूसरे कितने डिग्री प्रतिच्छेद करती हैं, तो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं। सारे सारे बच्चे इस पेज को स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जल्दी से प्रश्न का उत्तर कहाँ दीजिए, आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक पतंग के विकर्ण एक दूसरे को डैश डैश कर समद्विभाजित करते हैं,
एक पतंग के विकर्ण एक दूसरे को खाली स्थान पे समद्विभाजित करते हैं। तो बताना है कि कितना डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी देंगे। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। कितने डिग्री समद्विभाजित करते हैं? तो 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। आगे सर बच्चों को समझ में? चलिए, इसी प्रकार यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देना किसी बच्चे को, चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देना किसी बच्चे को। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। चलिए, अब समांतर चतुर्भुज पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। सारे के सारे बच्चे जो है चैट बॉक्स में बताएंगे कि समांतर रेखा क्या होती है। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि समांतर रेखा क्या होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को पता है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, उससे हम लोग समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस कहते हैं। समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रेखा ये हो गया और दूसरा रेखा ये हो गया, दूसरा रेखा ये हो गया। क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो होती हैं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, उसे समांतर रेखा कहते हैं। उसे समांतर रेखा कहते हैं। अगर आपको समांतर रेखा समझ में आ गया है तो वो समांतर चतुर्भुज भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, यदि किसी चतुर्भुज की, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। मैंने क्या आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कि ये आप हैं और ये आपके दोस्त हैं। अगर दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं तो यानी क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं। ऐसे भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे हूं और मेरे सामने पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों क्या हुए, एक दूसरे के सम्मुख हुए, एक दूसरे के आमने सामने हुए। मतलब सम्मुख का मतलब क्या हुआ? आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या हुआ? आमने सामने। यानी किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, यहाँ पे आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, अगर इनकी आमने सामने की जो भुजाएं, जैसे भुजा क्या है, बीसी भुजा, अगर आपकी ए बी भुजा के समांतर हो, ए बी भुजा के समांतर हो, जो कि आपको दिख रहा है कि जो डीसी भुजा है वो ए बी भुजा के क्या है, समांतर है। उसी प्रकार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो ए डी भुजा है वो बीसी भुजा के समांतर है। जो ए डी भुजा है वह बीसी भुजा के समांतर है। इसका मतलब कोई भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, अगर उनकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब क्या हुआ कि अगर ये बीसी है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी है, और ये ए डी है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी है। अगर इनकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, अगर इनकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो उससे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। उससे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। कोई भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, अगर उनके आमने सामने वाली भुजाएं, कोई भी चतुर्भुज, अगर उनके आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं। आपके लिए क्या करता हूं, एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं।
और सभी बच्चे बताएंगे, चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे, एडी भुजा के समुख भुजा कौन सी है। समुख मतलब कि सामने वाली भुजा कौन सी है। एडी भुजा की सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी भुजा। तो ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों समांतर होंगी। उसी प्रकार बताइए, ए बी भुजा की सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी है, डीसी। ये भी क्या होंगी, अगर समांतर होती हैं, ये भी क्या होंगी, अगर समांतर होती हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि अगर किसी भी चतुर्भुज की समुख मतलब कि आमने सामने वाले भुजाएं अगर समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज के गुण। क्या सीखने जा रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होगा कि इनके सम्मुख भुजाएं जो होते हैं, इनके जो सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो समांतर होती हैं। वो क्या होती हैं, वो समांतर होती हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे जो गुण हैं, सारे सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक ही जगह पे आपको लिख के बता देता हूं। चलिए क्या करते हैं, हम लोग एक समांतर चतुर्भुज आपके लिए बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं। चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लिया आपके लिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ध्यान देंगे, चलिए तो सबसे पहला गुण क्या है इसका, कि इसके आमने सामने इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर है। चलिए सम्मुख भुजा क्या है, मतलब ए बी भुजा समांतर है डीसी के और ए डी भुजा समांतर है बीसी के। ये सबसे पहला इसका गुण है। क्या गुण है, कि जो सामने वाली जो भुजाएं होंगी, जो सामने वाली भुजाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी, वो एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, ये पहला गुण, पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये पहला प्रॉपर्टी, पहला गुण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए इसी प्रकार दूसरा गुण देखते हैं, इसी प्रकार दूसरा गुण देखते हैं कि जो इनकी सम्मुख भुजाएं होती हैं, जो इनकी सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होने के साथ साथ, वो समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती है। मतलब कि ए बी भुजा बराबर होगी डीसी के, ए बी भुजा बराबर होगी आपकी डीसी के। उसी प्रकार बताइए ए डी भुजा किसके बराबर होगी, जल्दी बताइए ए डी भुजा किसके बराबर होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, ए डी भुजा किसके बराबर होगी, बीसी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब क्या है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजा मतलब जो आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, समांतर होने के साथ साथ, समांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के बराबर भी होती हैं, एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। अगर यहां तक ये सेकेंड गुण, सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आ गया है, ये दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा गुण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार चलिए अब इसे सीखते हैं तीसरा गुण, चलिए इसका सीखते हैं तीसरा गुण। तो चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, कोण सी। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब कि आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। उसी प्रकार बताइए कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण बी। तो ये भी बराबर होगा। तो याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में जितनी भी सम्मुख भुजाएं होती हैं, जितनी भी सम्मुख कोण होते हैं, सारे के सारे बराबर होते हैं, सारे के सारे बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए
सारे सर बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। समांतर चतुर्भुज में सारी की सारी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं, और सारी की सारी सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे बच्चे ले लिया, सारे बच्चों ने, अगर सारे बच्चों ने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो जैसे मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी प्रकार कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। चलिए, तो ये तीनों जो थे आपके सम्मुख पे आधारित थे, आमने सामने पे आधारित थे। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज सीखने जा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है इसका, चलिए बनाते हैं। मैं आपके लिए एक आपके लिए समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो जैसे कि हमें पता है सबसे महत्वपूर्ण इसका हम लोग गुण सीखने जा रहे हैं, तो सारे सर बच्चे क्या करेंगे, सारे सर बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सबसे महत्वपूर्ण गुण सीखने जा रहे हैं हम लोग, सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण सीखने जा रहे हैं। तो चलिए, सभी के सभी बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि इनकी जो विकर्ण है वो कौन कौन सी है, इनकी जो विकर्ण है वो कौन कौन सी है, इनकी जो विकर्ण है वो कौन कौन सी है। तो कौन विकर्ण है, एक हो जाएगी आपकी बी डी और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी ए सी। बहुत बढ़िया, कौन कौन सी विकर्ण हो जाएगी, ए सी और बी डी क्या आपकी विकर्ण है। तो देखिए, चल ध्यान देंगे, देखिए तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं बीडी का मान अगर 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं बीडी का मान अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को, ये एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है। देखिए, सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब क्या होता है बराबर, द्वि मतलब क्या होता है दो, अभाजित मतलब क्या होता है बांटना, भाजित मतलब क्या होता है दो भाग में बांटना। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये क्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, डीओ बराबर होगा बीओ के और आपके एओ बराबर होगा सीओ के। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, मतलब कि समद्विभाजित करते हैं। चलिए इसको लिखित फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज है इनके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर यहां से यहां तक और मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक क्या होगा 5 सेंटीमीटर। कहने मतलब AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा DO के। आगे सर बच्चों को समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अब क्या सीखने जा रहे हैं, आसन कोण पे आधारित गुण। क्या सीखने जा रहे हैं, आसन कोण पे आधारित गुण, वो कौन सा है, चलिए बताते हैं, चलिए आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, सारे के सारे बच्चे सबसे पहले ये बताएंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो सबसे पहले बताएंगे सारे के सारे बच्चे कि कोण ए का, कोण ए का, कोण ए का आसन कोण कौन कौन से हैं, कोण ए का आसन कोण कौन कौन से हैं। आसन मतलब कि किन दो कोणों के बीच में है, कौन कौन से कोण है, तो कोण बी और कोण डी, कौन कौन से हैं, कोण बी और कोण डी, है ना, बी और डी। सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाने जा रहा हूं आपको कि जो इनके आसन कोण होते हैं, जो इनके आसन कोण होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोण ए प्लस कोण बी करते हैं, कोण ए प्लस कोण बी करते हैं तो ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। उसी प्रकार बताइए कोण ए प्लस कोण डी करेंगे तो कितने बराबर होंगे, सरल से बताएंगे चैट बॉक्स में,
कोण ए प्लस कोण डी करेंगे तो कितने के बराबर होंगे, सारे चार बच्चे बताएंगे, कोण ए प्लस कोण डी करेंगे कितने बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। टी यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, सबसे महत्वपूर्ण इसका 180 यह हुआ कि आसन कोण के समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं समपूरक होते हैं। आसन कोण जो होते हैं समपूरक मतलब कि 180 डिग्री संपूर्ण होते हैं। और कोई बच्चा माइक ऑन करता है तो मैं उनको क्लास से बाहर निकाल लूंगा। अगर अब से किसी बच्चा का माइक ऑन हुआ मैं उनको क्लास से बाहर निकाल लूंगा, फिर उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने सारे बच्चों को बोल रखा है, अगर आपको कुछ भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए, माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चा को। चलिए, तो यानी इसके आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। आगे सर बच्चों को समझ में। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, क्वेश्चन क्या है बहुत ही सरल है। क्यों सरल है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। कौन सा चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, जिसमें कोण पी का मान है 75 डिग्री। तो हमको कोण आर की मान ज्ञात करनी है। तो जैसे कि मैंने बता रखा आपको कि समांतर चतुर्भुज की समुख भुजाएं के साथ साथ समुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए कि समांतर चतुर्भुज के समुख कोण भी बराबर होते हैं। चलिए, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सके। चलिए, 5 4 3 2 1। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया हुआ, क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या होगा, कोण पी के सम्मुख कोण कौन से हैं, कोण पी के सम्मुख कोण है कोण आर, यानी कोण पी का मान 75 डिग्री है तो कोण आर का भी मान क्या होगा, 75 डिग्री। क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब कौन सा कौन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। चलिए, इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न में बोल रखा है आपको सम्मुख भुजा के बारे में बताना है आपको, किसके बारे में बताना है, सम्मुख भुजा। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। तो सारे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। कहाँ देंगे, तो पोल सेक्शन में जाकर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अभी तक जितने बच्चे आंसर दिए सारे के सारे बच्चे जो हैं इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में दे सके। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैसे कि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है तो इनके सामने वाली क्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर है तो इनके सामने वाली भी क्या हो गई, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब कि BC का मान कितना है, BC का मान 10 सेंटीमीटर, और BC का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और BC का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, तो पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, क्वेश्चन क्या है, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें यहाँ पे AC का मान दिया 6 सेंटीमीटर, तो हमें OC का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने बता रखा आपको कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलिए, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहाँ देना आपको उत्तर, तो आपको पोल सेक्टर में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। 5
फोर थ्री, तब तक सारे बच्चे कहाँ उत्तर करेंगे, सारे टू सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। टू वन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ जितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर किए हैं सारे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए। देखिए यहाँ पे बोल रखा है एसी का मान कितना बोला है, एसी का मान बोला है 6 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि जो इनके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये क्या होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। इसको लिख के कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको बोल रखा है एसी का मान जो है 6 सेंटीमीटर और हमें ओसी निकालना है, तो ओसी हो जाएगा AC/2 यानी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। आगे समझ में, यानी क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, तो कौन सा उसमें सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है 3 सेंटीमीटर। आगे समझ में, तो सारे के बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे के बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज के कुछ विशेष प्रकार। क्या सीखने जा रहे हैं, यहां तक तो सारे बच्चों समझ में आ गया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज के कुछ विशेष प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है आयत जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, दूसरा है आपका वर्ग जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, और तीसरा है जिसे नाम है सम चतुर्भुज जिसे इंग्लिश में कहते हैं रॉम्बस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रॉम्बस। अब ये क्या होता है, तो देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताया कि ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आपके समांतर चतुर्भुज के प्रकार हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने प्रॉपर्टी जितने गुण समांतर चतुर्भुज में थे सारे के सारे गुण आपके आयत में भी होंगे, सारे के सारे गुण आपके वर्ग में भी होंगे और सारे के सारे गुण आपके सम चतुर्भुज में भी होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जितने के जितने गुण समांतर चतुर्भुज में होते हैं, जितने के जितने गुण समांतर चतुर्भुज में होते हैं वो सारे के सारे गुण आयत में भी होंगे, वर्ग में भी होंगे, इनके सम चतुर्भुज में भी होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि चलिए हम लोग सीखते हैं आयत। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आयत में कौन कौन से गुण समांतर चतुर्भुज के होंगे। तो हमें पता है कि जो आयत है ये समांतर चतुर्भुज का ही भाग है, ये समांतर चतुर्भुज का ही भाग है। इसका मतलब ये है, अगर ये समांतर चतुर्भुज का ही भाग है इसका मतलब जितने के जितने गुण समांतर चतुर्भुज के होते हैं, जितने जितने प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज के होते हैं सारे सारे प्रॉपर्टी आयत में भी होंगे, सारे सारे प्रॉपर्टी आयत में होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, चलिए मैं बनाता हूँ आपके लिए एक आयत, आपके लिए बनाता हूँ आयत। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत बना लेता हूँ। चलिए तो जैसे कि मैंने बोल रखा है कि आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज का क्या होता है कि जो इनकी सम्मुख भुजा, जो इनकी सम्मुख भुजा मतलब कि ए बी भुजा के समांतर कौन सी भुजा होगी, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में, ए बी भुजा के समांतर भुजा कौन सी होगी, सारे सारे बच्चे बताएंगे। आमने सामने वाली भुजा क्या होंगी, बराबर होने के साथ साथ समांतर कौन होंगी, डीसी भुजा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए एडी भुजा की समांतर भुजा कौन सी होगी, एडी भुजा की समांतर भुजा कौन सी होगी, समांतर भुजा कौन सी होगी, बीसी भुजा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि ये आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब जितनी भी गुण समांतर चतुर्भुज के होंगे सारे के सारे गुण आयत में भी होंगे। इसका मतलब इनके आमने सामने की जो भुजा हो गई ये तो समांतर हो गई। चलिए ठीक है, दूसरी दूसरी क्या होती है, सम्मुख भुजा इनकी क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार बताइए ए बी भुजा किसके बराबर होगी, ए बी भुजा किसके बराबर होगी, सर बताएंगे ए बी भुजा किसके बराबर होगी, ए बी भुजा का सम्मुख भुजा कौन सी है, डीसी भुजा, यानी डीसी भुजा बराबर होगी। उसी प्रकार ए डी भुजा किसके बराबर होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, ए डी भुजा किसके बराबर होगी, सारे सर बच्चे बताएंगे ए डी भुजा किसके बराबर होगी, तो बी सी भुजा के बराबर होगी। चलिए इसी प्रकार तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि इनके सम्मुख कोण जो होते हैं, इनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब होता है ये कोण ए के सम्मुख कौन सा है, कोण ए के सम्मुख कौन सा है, कोण सी। उसी प्रकार बताइए कोण डी के सम्मुख, कोण बी के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण बी के सम्मुख जो है कोण डी है। और आपको पता होना चाहिए कि आयत में जो होते हैं जो सम्मुख कोण होते हैं सभी के सभी 90 डिग्री के होते हैं,
जितने भी सम्मुख कोण होते हैं या जितने भी, चलिए इसको मैं अलग से एक जगह लिख देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ इसको अलग से एक बार लिख देता हूँ। अभी फिलहाल इतना सीख लीजिए कि इनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, इनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, इनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों के तीनों जो चीजें जो हैं, ये तीनों के तीनों जो बिंदु है आपको मैंने समांतर चतुर्भुज में पढ़ाया है, आपको मैंने समांतर चतुर्भुज में पढ़ाया है, इसका मतलब कि आयत जो है समांतर चतुर्भुज का ही पार्ट है, समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है। इसका मतलब जो भी गुण समांतर चतुर्भुज में आते हैं वो सारे के सारे गुण आपके आयत में भी आएंगे, वो सारे सारे गुण कहाँ आएंगे आपके आयत में भी आएंगे। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, ले लेंगे सारे बच्चे, सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब सीखते हैं, अब सीखते हैं कि थोड़ा सा अलग इसमें क्या है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आयत भी समांतर चतुर्भुज है, यानी जितनी भी समांतर चतुर्भुज है सबको हम आयत कह सकते हैं? नहीं, सबको हम लोग आयत नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं या जो इनके कोण है, हर एक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, इनके जो प्रत्येक कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कहने के मतलब कि कोण ए भी 90 डिग्री का होगा, कोण बी भी 90 डिग्री का होगा, और कोण सी भी 90 डिग्री होगा, और कोण डी भी 90 डिग्री होगा। यानी आप यहां से भी देख सकते हैं कि इनके जो सम्मुख कोण जो है, इनके जो सम्मुख कोण जो है वो भी बराबर है, वो भी बराबर है, और कितने के बराबर है तो सारे सारे 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये ध्यान देना है कि आयत जो है समांतर चतुर्भुज भी है। आप लोग बोल सकते हैं कि आयत जो है समांतर चतुर्भुज है, तो बहुत अच्छे बोलेंगे क्या कि सर सारे सारे समांतर चतुर्भुज क्या आयत होते हैं? नहीं, आयत वही समांतर चतुर्भुज होते हैं जिनके सारे के सारे कोण, सारे के सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। सारे सारे कोण कितने बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए एक और गुण देख लेते हैं, आयत के एक और गुण देख लेते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इनकी जो विकर्ण होती है, इनकी जो विकर्ण होती है वो बराबर होती है, इनकी जो विकर्ण होती है वो बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ए बी बराबर होता है, ए डी ए सी बराबर होता है, ए सी बराबर होता है बी डी के, मतलब कि इनके जो विकर्ण, इनकी विकर्ण कौन कौन सी है, ए सी और बी डी, ये दोनों बराबर होती है। तो आयत के ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है, क्या एक महत्वपूर्ण है कि सारे सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के, सारे सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के, सारे सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के, और दूसरा इनकी विकर्ण जो होती है वो बराबर होती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। दो चीजें महत्वपूर्ण है कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं और इनकी विकर्ण जो होती है बराबर होती है। आगे समझ में सारे बच्चों को, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तो सारे से बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में देंगे, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे पोल सेक्शन में। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे आप यहाँ पे पैरेललोग्राम की जगह लिख दीजिए रेक्टेंगल, हमको रेक्टेंगल बताना है। आयत ए बी सी डी में ए डी का मान दिया 3 सेंटीमीटर, ए बी का मान दिया 6 सेंटीमीटर, तो हमको सी डी और बी सी की माप ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे के सारे बच्चे जो हैं इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सके, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। बहुत बढ़िया, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जैसे कि आपको पता है और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। देखिए ए बी के सामने वाली कौन सी भुजा है तो 6 सेंटीमीटर, ए डी के सामने वाले कौन से भुजा है तो 3 सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब यहाँ से सी डी के मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और बी सी के मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा होमवर्क बनाकर लानी है। तो सबसे पहला होमवर्क है आपका प्रश्नावली 4.2, तो मैं क्या करता हूँ पहले चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ ताकि सारे बच्चे इसका, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए प्रश्नावली 4.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 4.2 का अगला क्वेश्चन जो है, टू क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री, इसका भी सर बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सर बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सारे सर बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सर बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 5.9.1 का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर का भी स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। इसी प्रकार प्रश्न वाले 9.2 का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे से बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। मतलब कि हम लोग कौन कौन सा होमवर्क दिए हैं, तो ये देखिए मैंने दिया आपको प्रश्न वाले 4.2 का जो कि पेज नंबर 65 में है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और प्रश्न वाले 9.1 के जो कि पेज नंबर 83 में है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। उसी प्रकार प्रश्न वाले 9.2 में एकदम कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 84, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि उनको पता चल सकेगा कि वो होमवर्क उनको कौन कौन सा मिला हुआ है, होमवर्क उनको कौन कौन सा